Morning students, how are you? Fine. Today we will discuss exercise 3.4. And before starting this exercise, let us discuss some important quadrilaterals and their properties. हम एक चार्ट बनाएंगे, आपको एक चार्ट बनाना है, ये आपका होमवर्क भी रहेगा. उस चार्ट के अंदर आपको क्वाड्रिलेटरल लिखने हैं. उनका डायग्राम बनाना है और उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है. जैसे फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है पैरेललोग्राम. सो व्हाट इज ए पैरेललोग्राम? Parallelogram is a rectangle, is a quadrilateral with each pair of the opposite side parallel. Parallelogram is a quadrilateral with each pair of opposite side are equal. So what is the parallelogram? Parallelogram is a quadrilateral with each pair of opposite side parallel and equal. So equal and parallel, you can also write the parallel because its name is parallel. So how it look like? What is the diagram? Its diagram is opposite sides are parallel and equal. Parallel and equal. What are some properties? What are the properties of parallelogram? The first property is opposite sides are equal. Property number two, opposite angles are equal. Iske opposite angle bhi kya honge? Equal. Opposite angles are also equal. हमारे पास दोनों चीजें होंगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. व्हाट अदर देन दीज टू प्रॉपर्टीज? और कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. और क्या प्रॉपर्टी? बाइसेक्ट करते हैं. और क्या प्रॉपर्टी होती है? द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, हमने पढ़ा भी था प्रीवियस एक्सरसाइज में. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. क्लियर? इज 180 डिग्री. प्रॉपर्टी नंबर फोर, द डायगोनल्स. देख लीजिए, द डायगोनल्स ऑफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. सो व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज फोर साइड्स एंड वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी हैव. फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम कैसा होता है? ए पैरेललोग्राम इज द क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हुज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हुज डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एंड द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू
180 degree. So along with the properties, you have to explain these three things. Now come to the second. So next diagram is rectangle. What is the rectangle? This is parallelogram. So what is the rectangle? A parallelogram with a parallelogram a parallelogram with all angles 90 degrees. अब एक रेक्टेंगल क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है एक पैरेललोग्राम की तरह, जिसके सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के. सो हाउ वुड इट लुक लाइक? अगर हम इस पैरेललोग्राम को, इसके सारे एंगल्स को 90 डिग्री करते हैं, सो अभी ये 90 डिग्री नहीं है ना, अब हम इसे 90 डिग्री में करेंगे, सो इट विल एक्सटेंडेड अप. पहले कहां था ये? कुछ इस तरह था. अब इसके सारे एंगल्स को 90 डिग्री कर दें तो ये कैसे शिफ्ट हो जाएगा? इस साइड शिफ्ट हो जाएगा एंड देन इट बिकम्स 90 डिग्री. क्लियर? सो अब हमें कौन सा डायग्राम बनाना है? वी हैव टू मेक जस्ट ओनली ऑफ फॉर द रेक्टेंगल. क्लियर? सो नो नीड टू मेक द डायग्राम ऑफ पैरेललोग्राम. Also, you have to write the properties of rectangles, whatever. Third diagram is, so let us discuss also the properties of rectangle. So what are the properties of the rectangle? Rectangle mein properties kya hai? Iske opposite sides equal hai. Opposite sides are equal. All the angles are of 90 degree. All angles are of 90 degree. And opposite sides are equal. Diagonals are equal. Equal and bisect each other. Equal and bisect each other. Next, third one is rhombus. रोम्बस कैसा होता है? रोम्बस भी पैरेललोग्राम की तरह है, बट इस पैरेललोग्राम में रोम्बस इज जस्ट लाइक सिमिलर पैरेललोग्राम विद ऑल साइड इक्वल, जिसकी सारी साइड क्या है? इक्वल है. जबकि पैरेललोग्राम में क्या था कि केवल अपोजिट साइड्स ही इक्वल थी, ये वाली इस साइड के इक्वल और ये वाली इस साइड के इक्वल. क्लियर? नाउ रोम्बस है, रोम्बस के पास सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल. रोम्बस a parallelogram, a parallelogram with all side equal, with all sides equal, with all equal sides, with all equal sides. Okay. अब इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या होगा? इसकी प्रॉपर्टीज में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. नंबर सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? सेकंड प्रॉपर्टी होगी कि इसके जो डायगोनल्स होंगी वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे. डायगोनल्स bisect perpendicularly so what other properties of the rhombus? Bisect and perpendicular ko dono hai. So now come to the square. स्क्वायर के केस में क्या होगा?
What is the square? Square is just like the rectangle. Square is a rectangle. So a rectangle with all side equals. With all sides equal. तो ये क्या बन गया? अब रेक्टेंगल क्या बन गया? अब एक स्क्वायर बन गया बिकॉज इसकी सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल है. सो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गई? ऑल साइड्स आर इक्वल. नंबर सेकंड, इसकी जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होंगे रोमबस में, बट स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स क्या होंगे? आर इक्वल, इक्वल होंगे. डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्टिंग एंड बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री या परपेंडिकुलरली एंड बाइसेक्टिंग ईच अदर परपेंडिकुलरली. क्लियर? ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री. Next is the kite. What is the kite? Kite is the quadrilateral with exactly two adjacent your consecutive sides with exactly two. जैसे हम काइट बना के देखते हैं एक बार पहले. ठीक है, with exactly two pair of equal sides. So this is the kite. So kite is the quadrilateral with exactly two pair of equal sides. But they must be consecutive. So what are the properties? Properties are consecutive sides लिख देते हैं. Equal consecutive sides means ये जो पास पास की है लगातार है ये दोनों sides. Now come to the property number one. Kite की जो property है कि diagonals जो हैं, जो दोनों diagonals होते हैं वो एक दूसरे को bisect करेंगे perpendicularly. और वन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे बट दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. परपेंडिकुलरली क्लियर? सो Now, anything else? Consecutive sides तो equal होती हैं, diagonals perpendicular व्यक्त करते हैं, but एक चीज और है जो इसकी important है, वो है कि जो इसके angles हैं, only एक pair तो equal होगा, जैसे A, B, C and D है, तो उसमें एक pair तो equal आएगा, मगर दूसरा pair equal होना कोई necessary नहीं है, तो इसकी एक important property में लिख लीजिए, the measurement of angle B is equal to angle measurement of angle D, but measurement of angle A is not necessary or not equal to angle
सी। सो एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल नहीं होगा। एंगल बी हम हटा दीजिए मेजरमेंट, एक ही बात है, तो एंगल बी होगा एंगल डी के बराबर होगा, यानी कि ओनली द वन पेयर। इसका मतलब क्या होगा, केवल एक पेयर ही इक्वल आएगा इसका, दोनों पेयर इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट सम बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अदर ऑल कोऑर्डिनेटर्स। ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।